सबका नंबर लिख लिया है, फिर किसी दिन मूड होगा तो सारे यूट्यूब पर नंबर डालूंगा कि ये नंबर रोज दस बनाता। तो मैं इतिहास का छात्र हूं, भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने छापा है किताब डॉक्टर अम्बेडकर पे, तमिलनाडु में पेरियार साहब की किताब छपी है, तो हमने तो अभी कुछ कहा भी नहीं किया था पेरियार साहब ने अम्बेडकर। तो बहुत दिन बाद ये हुकूमत में आ रहे हैं तो सत्ता पच नहीं रहा, लग रहा है सबको डरा लेंगे, सबको धमका लेंगे, एक आदमी भी हमारा खड़ा हो जाएगा ना तो सरकारें हिलती है, क्योंकि हम लोग किसी से कुछ लेना नहीं है, कुछ मांगना नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए, जितना है उतना इनफ है, और समाज का मोहब्बत और प्यार मिलता है इसे बड़ा दुनिया में कोई सम्मान नहीं, कोई सम्मान नहीं इसे। तो दोस्तों लक्ष्मण ने बैकग्राउंड बना दिया, अच्छा शानदार भाषण दिया उसने, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब तक पेरियार को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे नॉर्थ इंडिया में, देखिए ललई सिंह यादव ने सच्ची रामायण लिखा पेरियार को लेकर आए, कांशीराम जी ने व्यापक रूप दिया, लेकिन बीच में कल्चरल एक गैप है पूरा कल्चरल गैप। सो बिना एस्टैब्लिश किए हुए, जब मैं पेरियार कह रहा हूं तो पेरियार मतलब एक इंडिविजुअल पार्टी नहीं, एक पेरियार एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी, और आप पेरियार अंबेडकर सबको स्थापित, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं, ललई सिंह यादव को या जो बड़े बड़े नेता हैं उनके जयंती में एक लाइन लिखते नहीं, डरते, वो डरते क्यों है, क्योंकि हम लोग जो है उनके आडंबर और पाखंड में फंसे हुए, नेता जो है जनता का मूड देखता है कि जैसा पब्लिक होगा उसी तरह का वेशभूषा पकड़ता है नेता, तो चूंकि आप लोग ही उसमें फंसे हुए हैं, आप लोग समाज को कह रहा हूं, दलित पिछड़े समाज को पर्टिकुलरली मैं पिछड़े समाज को मैं एड्रेस कर रहा हूं, जिस दिन आप लोग ऐसा पाखंड छोड़ना शुरू कर देंगे, नेताओं से सवाल पूछेगा अगले दिन से देखिएगा आपके नेता भी वही लाइन बोलेंगे जो आप बोले। अब आपको कॉलेज चाहिए या कांवड़ चाहिए तो आपको तय करना, मैं तो चाहूंगा कि कॉलेज में आपके बच्चे जाए, आपके बच्चे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में जाए, वहां जाकर पढ़े, वहां पढ़े, एलएलएम करके आए, पीएचडी करके आए, ये लड़ाई बुद्धि की है, संख्या की लड़ाई नहीं। अंबेडकर साहब के बाद आप बताइए, और एक और को रेफरेंस छोड़ दीजिए, पेरियार साहब को छोड़िए, हम लोगों ने पब्लिक इंटेलेक्चुअल कहां बनाए, हिस्टोरियन नहीं है, सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, इकोनॉमिस्ट नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है, बढ़िया लॉयर नहीं है, इसमें सोचना पड़ेगा ना, नहीं बनाए, इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए, स्कूल नहीं खोले, तो लीडर्स तो स्कूल में पैदा होते हैं ना, विश्वविद्यालयों में पैदा होते हैं। तो आज अगर वाकई आपको याद करना है, जितने जाए दो घर अगल बगल में हो उनको पाखंड और आडंबर से दूर कर दे, क्योंकि ये पूरा ये सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। और देखिए क्या पैरेलल और सिमिलरिटी है पेरियार और अंबेडकर के आइडियाज, वहां वो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चला रहे थे और अंबेडकर ने लिखा नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन, नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। अगर आपको सम्मान नहीं है तो आप जो है ना, अरे नौकरी तो मैं भी करता हूं, आपको सम्मान अगर नहीं तो हम इंसान नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज। और जो आजकल व्यवस्थाएं हिल रही है, जिनका जिनका मन आहत हो रहा है, शुक्र मनाइए कि जो आवाज आप सुन रहे हैं वो विश्वविद्यालयों से निकल कर आ रहे हैं, लोगों ने एकदम सीधा चौड़ा करके बोलना शुरू कर दिया है, आपके बच्चे ज्यादा बढ़िया बोल रहे हैं, वहां से ये प्रोटेस्ट और वैचारिक जो जो संघर्ष, रोहित कुमला के बाद में डेट बता रहा हूं, वहां से देख लीजिए ट्रैवल कर रहा था, जब विश्वविद्यालयों में लक्ष्मण यादव जैसे लोग, तमाम एक्टिविस्ट
निकल रहे हैं तो सवाल खड़े कर रहे हैं, तब उस समय स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर रहा है। बोला पकौड़े चलो दोस्तों, क्योंकि रविशन साहब को जाना भी है और थोड़ा सा वक्त और होगा, बस मैं बात खत्म करूंगा। आपने फिल्म देखी होगी जब वी मेट, तो मैं आज कहने जा रहा हूं कि जब अंबेडकर मेट विज्ञान और जो बात हुई थी वो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये 1920 से लेकर 1937, फ्रॉम 1920 to 1937 मद्रास में जस्टिस पार्टी का जो है नॉन ब्राह्मण पार्टी, ब्राह्मणेतर दल का खूब बोला रहा, उसके बाद 37 के बाद डिक्लाइन हो रहा है। 44 में परियार साहब ने एक मीटिंग रखी सितंबर में 23 और 24, डॉक्टर अंबेडकर वहां मिलने पहुंचे और परियार से मुलाकात हुई और मैं जगह का नाम बता देता हूं, चेट्टीनाड हाउस में मुलाकात हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने फुल सपोर्ट, उन्होंने कहा कि जो आप रिलीजियस रिफॉर्म सोशल रिफॉर्म में चला रहे हैं हमारी ओर से फुल सपोर्ट। फिर वहां की महिलाओं ने उनको चाय पार्टी दी और एक अखबार का था संडे ऑब्जर्वर, उनके एडिटर ने उनको लंच में बुलाया और वहां पे बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा कि आप जो है एड्रेस के लिए पूरे मीटिंग, तो जो एड्रेस उनका है अंबेडकर साहब का, इसलिए मैं ये जानना जरूरी है क्योंकि आप कंपेयर कर पाएंगे कि जो स्थिति अभी है, क्यों मंडल कमीशन के बाद 80s में जो दल इतने पावरफुल थे बिहार उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, तो ऑल पोलिटिकल पार्टी इमर्ज एज ए पावरफुल पार्टी इन लेट 80s एंड 90s, वो कैसे डिक्लाइन हो गया, क्यों डिक्लाइन हुआ? 1920 से लेकर 37 तक जस्टिस पार्टी अगर बेहतर कर रही थी तो उसके बाद डिक्लाइन क्यों हुआ? परियार साहब इसमें सोच रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ये सवाल पूछने लायक है कि जो ब्राह्मणेतर दल है नॉन ब्राह्मण पार्टी यह हार क्यों है। उनका कहना था ये हजारों साल से ये पूरी लड़ाई जो है ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण की लड़ाई हजारों साल से, और अंतर यह है कि ब्राह्मण पार्टी जो है वो इनइक्वलिटी मानता है और नॉन ब्राह्मण पार्टी इक्वलिटी में विश्वास करता है। ये संख्या में कम है लेकिन सत्ता के तमाम जो पोस्ट है पोजिशन है उस पर वो बैठा हुआ है। सैकड़ों बार कहते हैं सैकड़ों बार नॉन ब्राह्मण पार्टी ने इन पे हमला किया, इनको अटैक किया, लेकिन कभी वो बना रहा क्योंकि वो पोजिशन इंपॉर्टेंट पोजिशन है उसमें वो बना रहा। अब कारण तलाश हो, कारण पर नजर डाली, क्यों 37 के बाद जस्टिस पार्टी कमजोर हो, तो जो रीजन बता रहे हैं अपने घर अपने बिहार और उत्तर प्रदेश में जरा पता की जाएगी वो रीजन है कि नहीं, क्यों चुनाव हार रहे हैं। कहते हैं कि इस दल के लोगों में स्वार्थीपन, भेड़चाल, पढ़े लिखे ब्राह्मणों में समाज से अलग होने का भाव, नीति और उद्देश्य में संकीर्णता और संगठन की शिथिलता, ये कारण थे जिसकी वजह से ये पार्टी हारा हुआ। कह रहे हैं कि 1917 से 37 के दरमियान, और मैं आपको एक बार बता दूं, सबसे पहले रिजर्वेशन ओबीसी को मिला था 1920 में ही मद्रास और बॉम्बे क्षेत्र में जो है प्रोविंस में लोकल बॉडीज को 1920 में रिजर्वेशन मिला, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन बाद में, राय का बाद में, लेकिन ये हिस्ट्री भी पता नहीं। तो कह रहे हैं कि इस दरमियान 20 साल में उसने जनता के हित के काम करने से अधिक ब्राह्मण वर्ग को गाली गलौज करना ही ज्यादा महत्वपूर्ण लगा, उसी ने इस दल की पूरी ताकत खर्च हो गई। गांव की गरीब जनता परेशान है, साहूकार के चंगुल से उसे छुड़ाना यह सरकार उस पार्टी के सुन में नहीं रहा। वो टॉकिंग अबाउट 1920, पार्टी वॉज पावर फ्रॉम 1917 to 1937 एंड इन 1937 फर्स्ट इलेक्शन द पार्टी लॉस्ट, सो अंबेडकर ही वॉज एनालाइजिंग रीजन, वॉट वॉज द रीजन फॉर डिफीट। सो
कह रहे हैं कि साहूकार के चंपन में जनता फंसी है, उसके हित के लिए व्यवसाय शुरू करना, साहूकार के चंपन से उनको छुड़ाना, ये सब काम करने का पार्टी को शुद्ध नहीं है। अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलाना मुख्य कार्य, इसी सब पर ज्यादा ध्यान दिया। नौकरी लगने पर अब हम लोग बहुत सारे लोग साहब जाते हैं ना, नौकरी लगने पर, नौकरी लगने पर जो नॉन ब्राह्मण समाज के जो यूथ है सर, ऐसे आराम में जीवन बिताते हैं, कंफर्ट जो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोफेसर हजारों कंफर्ट जोन में है, अपार्टमेंट एयर कंडीशन। ब्राह्मणों को गालियां देने वाले ब्राह्मण पर ब्राह्मणों की तरह जो परफ्यूम लगा दे, ये सब रीजन बता रहे हैं। उसी प्रकार जो रहन सहन अपनाने लगे, सो ब्राह्मणवाद को नष्ट करने की जो पार्टी की नीति थी वो कहीं एक कोने में दुबकी रही, वो कहीं दुबकी रही। ब्राह्मणेतर पार्टी को इस बात का पूरा ज्ञान नहीं हुआ कि वे ब्राह्मणों से अलग है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों से अलग है, और उनके अपने दर्शन में और उनमें जमीन आसमान का अंतर है। इस फर्क को जानकर उसी के अनुकूल बर्ताव वे नहीं कर सके। ब्राह्मणों के बर्ताव से यही बात साबित होती रही कि ब्राह्मण श्रेष्ठ दर्जे के ब्राह्मण हैं और वे खुद दुर्दयम दर्जे के ब्राह्मण। ब्राह्मणेतर पक्ष के नेता भी विद्वान और तर्कशुद्ध तरीके से सोचने वाले श्रेष्ठ नहीं थे। हमारे नेता सबको इंटेलेक्चुअल से बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो बातचीत नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्शन के दिन भीड़ चाल बोलते हैं ना, शिव जी के बराती की तरह 6 महीना पहले निकलता। आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी स्पीकिंग वेल। तो ये सारे रीजन थे और मुझे लगता है कि टाइम हो रहा है और अंबेडकर लखनऊ आए 1948 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का यहाँ का प्रोग्राम और उसमें वो पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल थे। आप जाके गूगल पर सर्च किए, यहां पे उन्होंने कहा था कि अगर दलित और पिछड़े एक हो जाए तो आप सत्ता से कभी हट नहीं सकते हो। यही लखनऊ में 23-24 अप्रैल एक और चलते चलते हमें समय नहीं है, चलते चलते रेफरेंस दे रहा हूं। मराठों में एक पत्रिका निकाला था मराठा मंदिर करके और डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने इन्विटेशन दिया था आने के लिए, उन्होंने लिखित अपना संदेश भेजा जिसमें जो मध्यवर्ती जातियां हैं, जो मिडिल ऑर्डर है उनके बारे में उन्होंने लिखा और कहा था कि आपके पास दो रास्ते, या तो ऊपर शामिल हो जाओ या नीचे आ जाओ, या तो शेड्यूल कास्ट के साथ पूरा रोशन कर लो और नहीं तो ऊपर दो ही रास्ते, 20 मिनट अटके रहोगे, बीच में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हुआ कस्तूले के बाद से, लेकिन बाद में सब जाके वो तहस नहस हो गया। नीति पट्टी में कि जब तक आप कल्चरल रेवोल्यूशन नहीं करो, कल्चरल रेवोल्यूशन नहीं करोगे पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हो नहीं सकता, आप राज सत्ता ले नहीं सकते। और देखिए यही मंडल की धरती से फिर कमंडल में पावर चला गया, क्यों? ये सोचने की बात है ना कि नेताओं ने समाज को तैयार उस तरह से नहीं किया। तो कल्चरल रेवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो डीएम के पावर में क्यों है तमिलनाडु में, क्योंकि वहां राजनीति की बुनियाद के सांस्कृतिक कल्चरल रेवोल्यूशन, इसलिए वहां पावर है। हमारे पास थोड़ी उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों की हमारी संख्या कोई कम है, लेकिन यहां कल्चरल मूवमेंट नहीं हुआ। इसीलिए आप नंबर हो गए, बड़े बड़े नेता हुए, मुलायम सिंह यादव हुए, कांशीराम जी हुए, मायावती जी हुई, लालू प्रसाद यादव हुए, बड़े बड़े लीडर्स हुए 90 का दशक देखिए, लेकिन अल्टीमेटली कहां चला गया दोनों? कल्चरल रेवोल्यूशन इसलिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया आप सबका और फिर कभी आऊंगा तो विस्तार। थैंक यू।